हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम ईशा है, आप लोग देख रहे हैं स्ट्रीट कार्स एंड बाइक्स। तो आज का वीडियो में मैं मेरा फ्यूल फिलर होस को चेंज करने वाला हूँ। वो किस लिए चेंज करना पड़ेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। एक्चुअली क्या था, जो मेरे को इस गाड़ी जो बेचा है वो ओनर ने बताया था मेरे को, उस फ्यूल फिलर पाइप में एक बेंड आता है, होस आता है। वो बेंड में क्या है, बहुत सारा क्रैक्स है। उसको वो क्या किया है, बहुत सारा टेप मार के एडजस्ट करके रखा है। तो ये चीज़ मेरे को गाड़ी देते समय बताया था, उसके वजह से हम लोग को क्या प्रॉब्लम आएगा आपको एक बार बता देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं, हम लोग का ये पाइप है, इधर से हम लोग पेट्रोल फ्यूल करते हैं, आप सब लोग को पता है। तो एक्चुअली क्या है, ये डायरेक्ट आप लोग का पेट्रोल टैंक में नहीं जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, ये इधर से नीचे जाने के बाद एक टर्न लेगा जो हमारे पेट्रोल टैंक में जाने के लिए, जो वो टर्निंग में वो क्या करता है, एक होस कनेक्ट करके रखा है। वो होस बहुत हार्ड हो गया है और क्रैक भी हो गया है। उसको जो पुराना ओनर क्या करके रखा है, टेप मार के एडजस्ट करके रखा है। फिर भी जब भी हम लोग फुल पेट्रोल इसमें भरेंगे ना, उस समय क्या होगा, 100% में 10% का पेट्रोल अगर फुल टैंक करेंगे तो उसमें से एवापोरेट होकर बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए मैं क्या किया है, उसका पार्ट मंगवा के सेम bodmo.com उसमें से मैं उस पार्ट को मंगवा के अभी इसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ। उसके साथ साथ अभी क्या करने वाला हूँ मैं, इस गाड़ी के पीछे तरफ में हम लोग को एक फ्यूल फिल्टर भी आएगा, साथ ही साथ उसका भी ज़्यादा दाम नहीं रहेगा, 80 to 150 रुपीस के बीच में रहेगा। तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, उसको भी चेंज करने वाला हूँ। वो कहाँ रहता है वो अभी एक बार आपको दिखा के वीडियो को शुरू कर देते हैं। फ्यूल फिल्टर हम लोग को बैक साइड में नीचे इस तरफ, बैक साइड से दूर से अगर देखने की कोशिश करते, ये वाला हम लोग का फिल्टर है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी वीडियो को शुरू करते हैं, उसको चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले गाड़ी को ट्रैक पर खड़ा के अभी मैं नीचे जा रहा हूँ, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ बेंड पाइप किधर रहता है बोल के। सो जैसे कि हम लोग को पता है कि लेफ़्ट साइड पैसेंजर सीट के नीचे ये पेट्रोल टैंक है, और उसके आगे ऐसे जाएंगे तो हम लोग को ये पाइपलाइन आपको दिख रहा है ना, ये पाइपलाइन से हम लोग को पेट्रोल फिलिंग होकर अंदर जाता है। तो ये वाला बेंड पाइप के बारे में मैं बताया था, ये देखो सारा क्रैक है, ये पाइप से बेंड होके ऐसा हम लोग का अंदर पेट्रोल घुसेगा। देखो सारा का सारा कैसा लग रहा है, ये एक तरफ देख सकते हैं पूरा टेप मार के रखा है, ये पूरा टेप मार के रखा है। Thank you.
अभी हम लोग का फ्यूल फिलर का काम तो ख़त्म हो चुका है, अभी हम लोग बैक चेयर जाके फ्यूल फिल्टर को भी चेंज करके आपको दिखा देंगे। जैसे कि पहले मैं बताया था, इधर इस तरफ अभी आप आराम से देख सकते हैं फ्यूल फिल्टर कैसा लगता है। अभी इसको दोनों तरफ से पकड़ के खींचने से इसका ट्यूब्स निकल जाएंगे, निकालने के बाद हम नया फिल्टर उसमें जोड़ देंगे। फ्रेंड्स, अभी दोनों पुराना सामान को निकाल के बाहर रखे, आप लोग देख सकते हैं पाइप का हालत कितना बुरा ख़राब हो चुका है। एक तरफ पूरा टेप मार के रखा है, पूरा क्रैक है। आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, एक बार देखिए पूरा निकालने से कैसा लग रहा है। ये पूरा एडजस्ट करके रखा था, इसलिए हम लोग अभी चेंज कर दिया। सारा क्रैक देख सकते हैं दोनों तरफ भी बड़ा बड़ा क्रैक हो चुका है, इसमें से ऑयल लीक हो जाता है। आप अभी फ्यूल फिल्टर देख सकते हैं, ये भी थोड़ा चलेगा लेकिन फिर भी मैं चेंज कर दिया है। फ्रेंड्स, अगर मेरा इस वीडियो आपको पसंद है तो ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।